अब जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा बाउंडेड पॉइंट। अब कौन से पॉइंट हमारे बाउंडेड पॉइंट होते हैं? स्पेस के ऐसे पॉइंट जो कि ना ना तो इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो, उसे हम कहते हैं बाउंडेड पॉइंट। जैसे हम इसी स्पेस की बात कर लेते हैं, इस स्पेस में हमारे 6 पॉइंट हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक, इसमें यदि हम इनका इंटीरियर एक्सटीरियर फाइंड आउट किया था हमने, तो हमारा P3, एक तो P1 हमारा इंटीरियर पॉइंट आ रहा था और हमारा P2 क्या आ रहा था, एक्सटीरियर, क्योंकि ये सिंगल टन की फॉर्म में ही आए थे। तो हम एक्स होल स्पेस में से P1 यूनियन P2 माइनस कर देंगे। अब P1 यूनियन P2 का मतलब क्या है? P1 के सारे पॉइंट और P2 के सारे पॉइंट, क्योंकि P1 और P2 अकेले हैं, तो इसमें से होल स्पेस में से P1 और P2 माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? P3, P4, P5, P6। P3, P4, P5, P6 क्या है? बाउंड्रीज पॉइंट। ये बाउंड्री पॉइंट क्यों है? क्योंकि ना तो ये एक्सटीरियर है ना ये इंटीरियर। वो पॉइंट जो ना तो इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो, उन्हें क्या कहते हैं? बाउंड्री पॉइंट। तो ये था बाउंड्री पॉइंट।